अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी खैरियत से हैं। आज का जो हमारा व्लॉग है, आज हमारे घर में कुर्बानी का जानवर आया तो कल रात था, तो अनलोडिंग की वीडियो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और आया तो कल रात को था, लेकिन अभी हमारा कुर्बानी का जो जानवर है वो कैसा आया है वो अभी आपको दिखाते हैं। और रेट क्या है और क्या है उससे मिलवाते हैं आपको अभी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है लाहौर में, आज बहुत गर्मी, हमारी गाय को भी लग रही होगी गर्मी। हम ये देखें, अब ये दोनों भाई ये इस काओ को, ये मारने वाली काओ है, बहुत मारने वाली, पास जाओ तो वो देखें वो क्या कर रही है। अब ये इसके पैरों में डालेंगे घुंघरू, देखो। निशा अब इधर आओ, मारने वाली गाय है ये, वैद को डर लग रहा है। फिर ये मुंह मैंने उसकी नकेल पकड़ी हुई है, ओह माय गॉड, मार रही है ये। बहुत डरोनी है हमारी गाय, देख लें आप। ऐसे डल गई, डल गया, एक डल गया। वैद टू लेके आए हैं, 1 pound के लिए 2। चारों में डाल दो वैद, एक एक नहीं आगे वाले डाल, नहीं नहीं अगले में डालते हैं। हाँ देखें, अब दूसरे पाँव में डालने की कोशिश, बेचारी परेशान हो रही है कि उसके साथ हो क्या रहा है। परेशानी के अलावा ये मारती भी बहुत है, मारती भी बहुत है। गाँव में रहने वाले जानवर होते हैं ना, वो फिर यहाँ शहरों में आके परेशान हो जाते हैं। आजकल मंडी का रेट बहुत ज़्यादा है, ये हमने तकरीबन 2 माह पहले ले ली थी, इसलिए हमें ये रिजनेबल प्राइस में मिल गई थी। हाँ, और ये गांव में खड़ी हुई थी, गांव में हमने किसी के पास रखवाई थी। 2 माह पहले हमने ली थी ये 25 की, और उसके बाद फिर 2 महीने जो हमने इसकी खातिर और इसकी खिदमत की है उस पर खर्चा आया, और यहाँ पर तक ये जो इसको लाने में किराया लगा है, तो ये हमें यहाँ तक पहुँच जो है 1.60 का पड़ा लड़ाई है। 1.60 का, ओके। पाकिस्तान में कुर्बानी करना गरीब लोगों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करें इमरान खान वापस आ जाए। इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई। और ये सारे हमारे बच्चे, ये हमारे बच्चे भी हैं, कुछ फसलों के बच्चे भी हैं, कुछ गली के बच्चे भी हैं, ये सारे इस गाय की वजह से हैं। ये महरीन है, और महरीन की गोद में मेरा बच्चा है मिशा। मिशा मिशा काओ किधर है? मिशा को काओ अच्छी लगी है? किधर है काओ? और अलीहा और हानिया काओ किधर है? ये हानिया अपनी नानों के घर जाने के लिए तैयार हुए हैं, ये लोग जा रहे हैं। हम काऊ को वापस बांध के आएंगे जहाँ हम रखते हैं। अच्छा, हमारे घर में ना सबसे ज्यादा गाय का शौक इसको उबैद को है। है उबैद? हाँ जी। हाँ। उबैद का बस नहीं चलता कि गाय आने के बाद उबैद गाय के साथ ही रहेगा। ईद के डेज में गाय मेरी सोतल कहा तो है, ईद वाले डेज में गाय हो जाती है मेरी सोतल। उबैद का बस चले, उबैद कुर्सी रख के उसके पास बैठे रहे सारा दिन। और मोहसिन मुझे है, पहले भी बहुत था लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया। उबैद की नस्बत कम है। मारती है ये बहुत ज्यादा, बहुत मारती है। मोहसिन को मारने लगी थी, ये तो मारने लगी थी ना मोहसिन आपको, ये लगेगा छुट के भाग भी जाएगी, ये ऐसी गाय है लड़ाकी, गुस्से में देख रही है। वो देखे, वो देखे। बस मुझे पर्सनली मारने वाली गायें बहुत अच्छी लगती है। क्या हो रहा है इसको? अच्छा, इस टाइम लाहौर में रहने वालों को पता होगा कि यहाँ पे भी गर्मी की क्या सूरत हाल है। हम हर व्लॉग में आपसे गर्मी का जिक्र लाजमी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बुरा हाल है ये। मैं अभी ये देखें ना, क्या ये महरीन भी, लेकिन बहुत बुरा हाल है। गर्मी के बावजूद हम आपके लिए ब्लॉग ला रहे हैं। दीदी अब बस इनको, इसको हम लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमने बांधा हुआ था ना, तो ये दोनों भाई इसको खोल रहे हैं और लेके जा रहे हैं।
भेजो इसको। मजा आया भाई देख के। और अब मुझे बताओ कि आप सारा दिन गाय के साथ रहोगे? अच्छा आप जरा सबको कह दो कि अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय कह दो। अच्छा जी ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। कुर्बानी शेयर की, आप लोग भी लाजमी शेयर कीजिएगा क्या क्या खरीदा है, कितने का खरीदा है। अल्लाह ताला से दुआ करें हमारे मुल्क पे थोड़ा सा रहम करें और अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए, सबको ये सिता दे कि सब लोग कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां दे। अगर आज का व्लॉग भी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मजीद किसी नए टॉपिक पे नए कंटेंट के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।